हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी टी लेके आई हूं जिसका नाम है रेड टी। और ये रेड टी आपकी बॉडी में जाके जो रुका हुआ वजन है, स्पेशली मैं आज ये टी इसलिए भी लाई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सुगम मेरा वेट एक जगह आके रुक गया है और वो मैं चाहे जितनी एक्सरसाइज करूँ चाहे जितनी डाइट करूँ वो आके उतने पे ही स्टे कर रहा है 2-3 महीने से। तो ये स्पेशली आज ये टी उन लोगों के लिए है जिनका वेट कम नहीं हो रहा। और देखिए, वेट ना कम होने की वजह बहुत सारी है। मे भी आप चीट डाइट कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो मे भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो, मे भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो, मे भी आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो। तो ये टी में मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा होगा, साथ ही साथ बॉडी से इन्फेक्शन मिटेंगे, जिसकी वजह से अगर इन वजहों से आपका वेट कम होना कम हो गया है तो वेट बहुत तेज़ी से आपका कम होगा। जैसे ही इस टी को आप 2-3 दिन लेंगे, देखेंगे आप जब अपनी मशीन पे खड़े होंगे तो आपको काफ़ी वेट लूज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये टी आपके इन्फेक्शन को दूर करेगी, आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी। लेकिन इस टी को कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बताया। कोशिश करिएगा 1 महीने तक इसे लीजिए। कैसे लेना है वो मैंने वीडियो में आपको बताया है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करिए और एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपको कच्ची हल्दी लेनी है जो मार्केट में इस समय ईजिली अवेलेबल है। आपको 2 आंवले लेने हैं, ये भी इस समय मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 1 आपको अनार लेना है और 1 आपको चुकंदर लेना है, ये भी इस समय मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। 1 स्पून जीरा, ये आपके घर में अवेलेबल है, और 1 स्पून अजवाइन, ये भी आपके घर में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अदरक और कच्ची हल्दी को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। फ्रेंड्स, अदरक और हल्दी दोनों ही बहुत ही अच्छे एंटी इंफ्लामेटरी हैं, यानी आपकी बॉडी में जो भी स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, या जो भी आपके शरीर में गंदगी है, ये बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करेगी। और फ्रेंड्स, कच्ची हल्दी यकीन मानिए आपके पेट को बिल्कुल भी गर्म नहीं करेगी, तो कच्ची हल्दी ज़रूर शामिल करिए आप अपनी डाइट में। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने आंवले भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और इस और चुकंदर को भी आपको ग्रेट करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको 1 लीटर पानी को बॉयल करना है। यहाँ अगर आपके पास कोई भी मेज़रमेंट कप नहीं है तो आप अंदाज से 1 लीटर पानी को हल्का सा गुनगुना, जब चढ़ाने के बाद वो गर्म हो जाए, यानी कि जब उसमें बबल्स आने लगे, तब आपको, ये देखिए मेरा मेज़रमेंट कप है, तो आपके पास भी अगर कुछ ऐसा मेज़रमेंट कप है तो आप उससे अंदाजन या फिर अंदाजन आप 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसे बॉयल कर दीजिए। जब वो थोड़ा सा बबल्स छोड़ने लगे, ये देखिए मेरा 1 लीटर पानी ये हो गया है, और जब इस पानी में बबल्स आने लगे तब आप इसमें जीरा, अजवाइन, कच्ची हल्दी, अदरक और आंवला, इन तीनों चीज़ों डाल के इसे ऐसे ही 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। लेकिन आपको जो गैस है उसको लो पे रखना है, क्योंकि हमें पानी नहीं जलाना है, हमें इसके एक्सट्रैक्ट लेने हैं पानी में। तो ये देखिए बॉयल होने लगा है, तो आप अभी टाइम नहीं हुआ है तो ढक दीजिए 20 मिनट तक। अब ये देखिए सब चीज़ों ने अपना कलर छोड़ दिया है और गैस अभी भी धीरे रखिएगा। तो अब आपको इसमें अपना चुकंदर डालना है। चुकंदर डालने के बाद आपको इसमें अनार डालना है, और इसके बाद मैं इसमें 2 ग्रीन टी के पाउचेस लूँगी। फ्रेंड्स, ग्रीन टी बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये भी आपके स्किन को ग्लो कर देने में बहुत ही हेल्प करेगी। चुकंदर भी आपके स्किन को ग्लो देने में बहुत हेल्प करेगी, अनार भी। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगी, जो आपके स्किन पे साफ दिखाई देगी। तो अभी आपको 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रखना है। इसके बाद आप इसको कांच के बर्तन में ही रखिएगा और आप इसे 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इसे 150 ml मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमैक लेना है और रात में बिफोर बेड आपको 150 ml लेना है, यानी फुल डे आपको 300 ml इसको लेना है।
और ये बहुत ही अच्छा आपका वेट लॉस करेगा और स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो भी देगा। और जैसा भी हो आप मुझे इसका रिव्यू ज़रूर बताइएगा। टी को बनाना बहुत ही इजी है। मे भी आपके यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट मिलने में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इस समय इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, मैंने भी मार्केट से ही लिए हैं। और इस समय अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़े दिन रुक जाइए, देन उसके बाद ये टी ट्राई करिएगा। मुझे तो ये इंग्रेडिएंट इजीली मिल गए हैं। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।